हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ यार आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको माइनक्राफ्ट में सर्वर बनाना सिखाने वाला हूँ, दोनों माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक के लिए। तो गाइस चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्काई नोड वेबसाइट पे आ जाना है। न्यू आईडी को बनाने के लिए आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टेम्प मेल से एक मेल को पहले कॉपी कर रख लेना। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो भी आपको चाहिए ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेल लगाना है भाई, पासवर्ड लगाना है, होस्ट नेम लगाना है, ये जो सभी डिटेल्स है ना आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन एक बात का आपको सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो यूज़र नेम है ना वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। मैंने अभी यूनिक नहीं रखा, आपको मैं एक एरर दिखाऊंगा फ्यूचर में जो आने वाला है इसकी वजह से। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा ना तो ये मेरे को यहाँ पे एक एरर देने वाले हैं। इन फ्यूचर भी आपका जो यूज़र नेम है वो अच्छा नहीं है, मतलब पहले से ही लिया हुआ है किसी ने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने यूज़र नेम को मॉडिफाई करने वाला हूँ। एंड भाई यहाँ पे हमारा ये वर्क कर चुका है। एंड इसके बाद जो मैंने पहले मेल लगाई है ना उसको ही लगाना है, उसका ही पासवर्ड लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लॉगिन करोगे इसके बाद आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ये आपसे कह रहा है कि आप एक बार जाओ अपनी मेल पे वेरीफाई कर आओ। तो आपको सबसे पहले वही करना है। मैं टेम्प मेल में यहाँ पे नीचे जाऊँगा एंड मेरे को यहाँ पे वेरीफिकेशन का जो कोड है ना वो मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड वेरीफाई पे मतलब क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरे को स्काई नोट से मैसेज आ चुका है कि आपका हो चुका है, आप अपना फर्दर मतलब काम कर सकते हो जो भी करना चाहते हो। जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे यहाँ पे आऊँगा ना मेरे को राइट साइड पर जाकर टैप करना है क्लिक योर मतलब क्रिएट योर सर्वर। एंड यहाँ पे आपको जो भी अपना नाम रखना है सर्वर का वो रख लेना है, इसको भी यूनिक ही रखना, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड ऐसा ही करूँगा, इसके भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को इन्होंने स्टोरेज दे दी है 1 GB की, इसी मतलब 1 GB की रैम दे दी है, 5 GB की स्टोरेज दे दी है, ये आपका हो जाएगा। जैसे आप टैप करोगे ना हो सकता है भाई 30% चांस है कि आपको ऐसा एरर देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट वेट करना है एंड बैक आना है एंड फिर से वही स्टेप को रिपीट करना है, मतलब इस पर टैप करना है 1 मिनट वेट करने के बाद तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप देख सकते हो मेरे को पोर्ट एंड आईपी बोथ मेरे को मिल चुके हैं। यहाँ पे मेरे को अपना सर्वर का नाम मिल चुका है, पोर्ट मिल चुका है, आईपी मिल चुका है। इसका मतलब हमारा सर्वर का गाइस 50% मतलब 70% काम हो चुका है। यहाँ पे आप जो भी सेटिंग्स करना चाहते हो भाई इजीली कर सकते हो। इसी के साथ आपको कंसोल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट रीस्टार्ट स्टॉप भाई ये तीनों ऑप्शन मिलेगी, मतलब सर्वर के भाई राजा आप ही हो, इसको कुछ भी आप कंट्रोल कर सकते हो जैसे मर्जी आप करना चाहो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी ना। इसी के साथ ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअल में आपको इसको माइनक्राफ्ट पर लॉगिन कैसे करना है। सर्वर का जो नेम आपने वहाँ पे रखा था ना एग्जैक्ट आपको वही नेम रखना है। मैं यहाँ पे आपको भाई ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो भाई आप भी ट्राई करना भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करने की। यहाँ पे जो भाई सर्वर एड्रेस था ना मैंने आपको दिखाया था, अभी सामने वाला सर्वर एड्रेस है, पीछे वाला ये है, तो आपको ऐसा कर लेना है 168.119.16.146.57। तो आपको यहाँ पे ये पोर्ट मतलब मेरा सर्वर का एड्रेस है एंड पोर्ट एड्रेस गाइस थोड़ा बहुत आपका कॉमन हो सकता है, इसका भाई इतना ज़्यादा मतलब बड़ा पंगा नहीं होता। जैसे ही आपको यहाँ पे अगर सेव करना चाहते हो तो सेव करो, अगर सीधा खेलना चाहते हो तो भाई प्ले पे टैप करो। एंड इसी के बाद आपको भाई ऐसा जनरेटिंग वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा एंड हमारे जो सर्वर का कंसोल टैब है ना उसमें भी आ जाएगा भी किसी ना किसी बंदे ने अभी अभी आपके सर्वर में ज्वाइन किया है। इसका मतलब समझ रहे हो भी ये सर्वर ही है भाई, मैं ज़्यादातर स्कैमर्स की तरह भाई वर्ल्ड बनाकर सर्वर नहीं उसको नाम उसका घोषित करने वाला, ये सर्वर ही है। मैं आपको थोड़ा सा इसका और भी प्रूफ देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मेंबर हूँ एंड मैं चेंज भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब गाइज ये मेरा सर्वर है। यहाँ पे मैं अगर कोई चीट के साथ अपना पंगा लेना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, जैसे भी मतलब मैं सर्वर को कंट्रोल करना चाहूँ ना, इसका क्रिएटिव सर्वाइवल कुछ भी करना चाहूँ वो मेरे हाथ में है। अगर मैं रिसाइकल करना मतलब ये रिस्टार्ट करना चाहूँ तो मैं रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मैंने रिस्टार्ट पे टैप किया, इन्होंने मेरे को सर्वर से बाहर निकाल दिया। तो गाइस जो हमारी दूसरी वेबसाइट है ना सर्वर बनाने के लिए, अगर आपकी भाई इन केस वो पहले वाली भाई धोखा देती है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। हालांकि दोनों गाइस वेबसाइट्स को भाई मैं 1 और 2 पे नहीं रख सकता क्योंकि दोनों का लेवल बराबर है, तो समझ सकते हो भाई दोनों की दोनों वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्ले पे जाना है, साइन अप करना है, अगर अकाउंट है तो साइन इन कर लेना। यहाँ पे मैं फिर से भाई टेम्प मेल के साथ ही करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो भाई आपको इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है
तो भाई आप डेफिनेटली अपनी एक मेल आईडी पे कर लेना, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं आपको मतलब सबको ऐसे ईमेल नहीं बांटना चाहता, तो मैं टेम्प मेल को यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें भी आपका जो यूज़र नेम है उसका यूनिक का होगा। देखो जेएस गेमिंग किसने ले रखा है भाई, तुम में से किसने ले रखा है सबसे पहले मेरे को ये बताओ। तो हटा लो भाई, क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आप गाइज अपनी मर्जी का पासपोर्ट, अपनी मर्जी का ईमेल, मतलब जो कुछ भी आप रखना चाहते हो ना, जो बेसिक डिटेल्स होती है ना, जो आप सबको यहाँ पे फिल कर लेनी है, जो आपको पता है क्या होती हैं। इसी के बाद आपकी ऐसी आईडी बन जाएगी ना, आपको यहाँ पे यूज़र नेम रखकर ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मिल जाएगा, और क्रिएट अ सर्वर बटन पे टैप कर लेना है। जैसे आप ये करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई ये JS टनोस, मतलब जो आपको देखने को मिलने चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेडरॉक और जावा जो भी आपको एडिशन बनाना है ना, उसको भाई यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। एंड जैसे मैं अब आपको बेडरॉक में दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बंदों को बेडरॉक में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार आपको बेडरॉक ही दिखा दिया जाए। जावा भी आप बना सकते हो। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा ये स्टार्ट हो जाएगा, और ऑफलाइन है अभी भाई। मैं आपको सबसे पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ, वर्जन कौन सा चाहिए, क्या मतलब गेम मोड चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, चीट्स ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए, वो सब भी आप पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने अभी क्रिएटिव कर दिया, तो ये क्रिएटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको गाइस सर्वाइवल कर दूंगा ना, तो जो जो बंदे खेल रहे हैं भाई वो हवा से नीचे गिर जाएंगे। सीरियसली मेरे पास इतना कंट्रोल होगा इस सर्वर का। यहाँ पे मैं आपको कंसोल में जाकर दिखा देता हूँ। अभी देखो ये ऑफलाइन शो कर रहा है। रीज़न क्या है इसका, कि मैंने वहाँ से अभी तक इसको ऑन ही नहीं किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखो ऑफलाइन स्टेटस को बंद करने के लिए स्टार्ट पे टैप करूँगा, एंड यहाँ पे देखो भाई हमारा हो चुका है। एंड इसमें गाइस एक छोटी सी बात है, अगर कोई 5 मिनट के लिए सर्वर को ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो सर्वर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो रैम एंड भाई वो है ना, उसका भाई कोई चक्कर नहीं होगा भाई, आप ही सर्वर खुद से ही बंद हो जाएगा अगर कोई नहीं खेलेगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और देख सकते हो गाइस अभी मैं सर्वर में आ चुका हूँ, और देखो भाई रैंडम जनरेशन है। मैंने क्रिएटिव सेलेक्ट किया था तो क्रिएटिव है, एंड यहाँ पे भी मेरे को मैसेज पॉप हो जाएगा जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा ना, मतलब कोई भी ज्वाइन करेगा, मैं नहीं कोई भी ज्वाइन करेगा, तो मेरे को उसका नाम, उसका ये भाई जो भी होता है ना टेक्निकल टर्म्स, सभी मेरे को यहाँ पे सामने मेरे पॉपअप हो जाएंगी कि इस बंदे ने आपके सर्वर में ज्वाइन किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी मेंबर हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ अपने आप को गाइज मैं यहाँ पे वो भी बना सकता हूँ ऑपरेटर, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स पे जाऊँगा, एंड मैं अपना यूज़र नेम जिसको भी बनाना है ना, उसका यूज़र नेम मैं यहाँ पे सिंपली फिल कर देने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं फिल करूँगा ना, तो होपफुली हमारा वो डिटेक्ट कर लेगा भी ये बंदा चाहता है कि मैं दूसरे बंदे को बना दूँ ऑपरेटर, एंड तभी ये मेरे को ऑपरेटर बना देगा। अब देख सकते हो गाइज मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे हैश मतलब गिव आइटम्स जो भी मेरे को चाहिए। अब मैं ऑपरेटर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप भी गाइज अगर चाहते हो ना भाई ऐसा एक सर्वर बनाना, तो भाई इन दोनों वेबसाइट्स को आप कंसीडर कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इनको भाई ढूंढ कर आपके लिए लेकर आया हूँ। होप करता हूँ यार आप सबको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना सर्वर बनाने में, जैसे आप वीडियो देखकर गए नहीं बन रहा आपका सर्वर, तो भी मेरे को बता देना, मैं आपको उसमें भी डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ। डेफिनेटली गाइस कोई भी कमेंट करना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप जब भी कोई कमेंट करते हो। बाकी गाइस होप करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई ना भाई, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत के लिए एंड अपने प्यार के लिए इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।